एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग सीरीज में पार्ट थ्री की। पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी हमने अपने चैनल में लॉन्च कर दिया है और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम पार्ट थ्री की बात करते हैं। जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि उनका कोई रिलेटिव भी बीमा एजेंट है तो वो आपसे बीमा क्यों खरीदे, वो अपने रिश्तेदार से ही बीमा खरीदेगा। अगर आपके पास भी इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है तो अब हम आज आपको बताएंगे कि इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बात कंटिन्यू करनी है और कहना है, वाओ ग्रेट, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके रिश्तेदार भी LIC अभी करता है। पर क्या आप जानते हैं, इंडिया में हुए क्राइम सर्वे के हिसाब से 3 में से 1 महिला और 4 में से 1 पुरुष किसी एक रिश्तेदार के द्वारा ही ठगे जाते हैं। और लोग बाहरी वालों से ज़्यादा अपने घर के वाले यानी अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा नुकसान खाते हैं। रावण में भी विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़कर राम का साथ दिया था और रावण की मृत्यु का कारण भी उन्हीं का भाई विभीषण बना था। जब आप अपने फाइनेंशियल मैटर को अपने किसी रिश्तेदार को शामिल कर लेते हैं तो रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ जाता है क्योंकि वह आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को जानता है। आज आपके उसी रिश्तेदार से अच्छी बनती है पर कल का कुछ पता ही नहीं है कि आपकी उनसे अच्छी बनेगी या नहीं बन पाएगी। क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ तो आपको निष्पक्ष होकर एक सलाह देना चाहूँगी कि किसी तरह की समस्या आने पर आप मुझे निश्चित होकर आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।